हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक्सेल ट्रिक्स में। आज एक हम खास चीज़ सीखने जा रहे हैं कि क्या हम ड्रॉप डाउन जो करते हैं, नॉर्मल ड्रॉप डाउन बनाते हैं, हम इमेज को भी ड्रॉप डाउन में ला सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट इमेज, ठीक है, ओके। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लेते हैं और फिर इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहला स्टेप है हमारा क्रिएट रॉ डेटा। एक ऐसा रॉ डेटा हमें तैयार करना है जहाँ पे हमारा इमेजेस और उससे जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए। तो हमने एक शीट बनाया और उसके अंदर इमेजेस जो भी हमारे होंगे उसको क्रिएट कर लेंगे। हमारा अगला जो स्टेप होगा एक ड्रॉप डाउन बनाना, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन उस इमेज से जुड़ा हुआ है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, वैसा ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे किसी भी शीट पे या कहीं पे भी। नेक्स्ट आएगा जो हमारा अगला स्टेप है, उसको रीनेम ऑल द सेल होल्डिंग इमेज। जो भी इमेज, जिस भी सेल में हमने इमेज रखा है उसको एक नाम दे देंगे। बाय डिफॉल्ट जो नाम होगा उस इमेज को रिफ्लेक्ट करने वाला कोई प्रॉपर नाम दे देंगे। उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे, एक इनडायरेक्ट फंक्शन होता है जिसकी मदद से उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उस इमेज को रेफर करेंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। अगला फेज है हमारा जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस ड्रॉप डाउन को एक नया नाम दे देंगे, न्यू नेम दे देंगे। उस नेम को देने का मकसद ये होगा कि हम जो भी इमेज रिफ्लेक्ट कराएंगे वो इससे जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि हमारा वो इमेज लिंक हो जाए। जो भी यहाँ पे चेंज हो उसके अकॉर्डिंग ये इमेज भी चेंज हो। बहुत सिंपल है, आसान है, बस एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सेल में भी प्रैक्टिस करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये मैंने एक छोटा सा रॉ डेटा तैयार किया, एक्सेल शीट बनाया है मैंने। एक शीट में मैंने क्या किया, कुछ इमेजेस डाल दिए सेल, अलग अलग सेल में इमेजेस डाल दिए और उसके रिफ्लेक्शन में, मतलब उसको डिनोट करने वाला इन्फॉर्मेशन उसी के बगल में मैंने इनपुट कर दिया। ध्यान रहे कि हमारा जो इमेज होगा वो एक जो सेल का जो बाउंड्री है उसको क्रॉस ना करें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। उस सेल के अंदर अंदर ही रहे, ठीक है। चाहे तो आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं इमेज के अकॉर्डिंग सेल का हाइट वेट, ठीक है। ये हमने काम कर लिया। अब हमारी आती है हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की। तो चलिए सेकंड स्टेप है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें इसका बनाना है क्योंकि ये कंपनी अगर हम सेलेक्ट करें तो जो भी ये कंपनी है वो रिफ्लेक्ट करे। तो क्यों ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, पहले ही क्रिएट कर रहा है, बट आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। सॉरी, बनाया नहीं है। हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, हमने इस सेलेक्शन के अकॉर्डिंग किया और जो लिस्ट बनाना है हमने उसके लिए ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये ड्रॉप बॉक्स आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप रो, अगर हम जल्दी करना चाहते हैं तो ये टॉप रो जो दिख रहा है, हेडिंग जो दिखा रहा है, कंपनी को डिनोट कर रहा है, हम क्यों ना यही नाम दे दें इस लिस्ट के लिए। तो हमने सोचा कि चलो टॉप रो को एज अ नेम क्रिएट कर लेते हैं, ओके किया। अब ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार है। चलो इसको डेटा वैलिडेशन की मदद से, ये मैंने एक नया शीट लिया, इस सेल को हमने चूज किया, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन ढूंढेंगे कहाँ है, ये रहा डेटा वैलिडेशन। यहाँ आके हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना है, तो हमने लिस्ट लिखा और आपको याद हो हमारा हेडिंग क्या था, कंपनी, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू लिखेंगे, COMPAN वाई स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ओके। बस जैसे हमने ये क्लिक किया, ये किया, अब ये हमारा ड्रॉप डाउन रेडी हो गया। आप एक वेरीफाई कर सकते हैं, फिलिप्स यहाँ पे आ रहा है, यस बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो बहुत क्विकली हमने ड्रॉप डाउन रेडी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना, ठीक है। सो इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, इस टेक्स्ट को रेफर करने के लिए, ठीक है। बट उससे पहले हमें ये जो सेल्स जिसके अंदर ये इमेजेस पड़ी हैं इनको भी एक रिफ्लेक्टिंग नेम देना होगा। जैसे आप देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, इस सेल को अगर हम रेफर करें तो इसका क्या नाम आ रहा है, B2। लेकिन हम
याद नहीं रख सकते कि B2 में कौन सा इमेज है, C2 में कौन सा इमेज है। सो क्यों ना हम इस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा दे दें जो इस चीज़ को डिनोट करे। जैसे टाटा लिखा है तो इससे रिलेटेड ये चीज़ है, अल्डाइन लिखा है तो इससे रिलेटेड ये चीज़ है, फिलिप्स है तो इससे रिलेटेड ये चीज़। सो सिंपल हम क्या करते हैं, इन दोनों रेंजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। याद रहे हेडिंग सेलेक्ट नहीं करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया। फिर हम गए फॉर्मूला के अंदर, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब की बारी हमने कहा कि लेफ्ट कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन उसके करस्पॉन्डिंग इस सेल को नाम दे दो, ठीक है, ओके। अब ये सेल आपको, जैसे आप देखेंगे टाटा, इस सेल को अब ये टाटा डिनोट कर रहा है, इस सेल को अल्डाइन डिनोट कर रहा है, तो हमारा काम आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टेप करते हैं, इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल। तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया, हम गए इनडायरेक्ट फंक्शन कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेम मैनेजर को। नेम मैनेजर में जाएंगे और हमने कहा एक नया नाम बनाना, जो हमने बताया था न्यू नेम क्रिएट करना है। चलो कोई भी एक मीनिंगफुल नाम दे दो आप, जो आपको पसंद हो। जैसे मैंने लिखा माई कंपनी इन्फो, मान लो ये नाम दे दिया, नया नाम, ठीक है। और इस सेल का एड्रेस ये आ रहा है, इसके आगे मैंने लिख दिया इनडायरेक्ट, INDIRECT, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और ब्रैकेट्स के अंदर इसको रख देंगे जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट, ओके क्लोज। ये अब आपका रेडी है, इनडायरेक्टली ये काम करेगा, इसके इमेज को रेफर करेगा। अब इसमें से कोई भी एक इमेज कॉपी पेस्ट कर लो, मान लो ये मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी, यहाँ पे कहीं पे भी आप जहाँ रखना चाहते हो वहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। बस आखिरी स्टेप इसको और इसको कनेक्ट करना। कनेक्ट करने के लिए क्या किया हमने, इस इमेज को क्लिक किया, यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाके इज इक्वल टू, और आपको याद है क्या नाम दिया था हमने, माई कंपनी इन्फो, ये प्रॉपर होना चाहिए, ये आपने सेलेक्ट किया, एंटर मारो, काम खत्म। अब देखो यहाँ जो भी आप ड्रॉप डाउन में चेंज करोगे, यहाँ इमेज अपने आप चेंज हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप। सो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से ड्रॉप डाउन को इमेज ड्रॉप डाउन के साथ भी लिंक करा सकते हैं। सो आई होप कि ये प्रैक्टिकल फाइल भी मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के साथ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगो तो प्लीज़ लाइक करें इसे, क्योंकि ये फ्री है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी नए वीडियोज़ आएंगे आपको कंटिन्यूसली आपके चैनल पर दिखेगा। एंड फाइनली आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मेरे ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।